हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एजुकेशन विद शशांक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। तो इन सॉल्ट्स को पढ़ने से पहले हम लोग पहले नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल सॉल्ट होता है NaCl, KCl, ये नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। तो ये इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये इजीली अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे NaCl है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये Na प्लस और Cl माइनस में डिसॉल्व हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, 2। नेक्स्ट होते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जैसे एग्जांपल हो गया डबल सॉल्ट का मोहर सॉल्ट, पोटास एलम, ये सब डबल सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको ये भी वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात होती है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिससे मिलके बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग एक ब्रीफ में पढ़ाई करेंगे। तो सब इसमें बात आती है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। सबसे पहला मेटल आयन, नंबर 2 लिगेंड्स, एंड नंबर 3 आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट होते हैं उससे। तो ओवरऑल ये तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। जैसे हम लोग अब बात करते हैं सिर्फ सबसे पहले लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं एक तरीके से जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल आयन हुआ, तो उनके पास लिगेंड्स एक ऐसी स्पीसीज है, लिगेंड्स इज अ स्पीसीज या एस हैड एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से जो लिगेंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। उनके पास क्या होता है, वो या तो एनायनिक स्पीसीज होते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, इन सब के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अब एनायनिक स्पीसीज की बात करें तो Cl- Br- I- ये सब एनायनिक स्पीसीज हैं और ये भी लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो लिगेंड्स का एक डेफिनेशन है कि लिगेंड हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेटेड, मतलब इसको डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। इन जनरल ऑल द लुईस बेसिस आर लिगेंड्स एंड ऑल द मेटल आयन आर लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं एंड लिगेंड्स लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे उनको लुईस बेस कहते हैं। तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो दे आर लुईस बेस, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सो सेंट्रल मेटल आयन बिहेव एज लुईस एसिड। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक चीज़ मतलब है कि डायरेक्टली हम कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारा आपके साथ बिहेवियर कैसा है, किसी के सर्किल होता है तो उसके साथ किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है, कॉम्प्लेक्स में भी, कि जो लिगेंड्स होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन और एटम। अगर आयन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज होगा तो आयन होगा, अगर चार्ज जीरो होगा मेटल पर तो उसको एटम बोलेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं हुए तब क्या हुआ, तो बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इस तरीके से लिगेंड्स भी आ जाते हैं। तो एक और डेफिनेशन दूसरी बन के आई, उसको कहा गया कि टोटल नंबर की सेंट्रल मेटल आयन टोटल नंबर ऑफ जितने बॉन्ड्स बना रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन विद द लिगेंड्स, सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स है टोटल। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, उनको रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड्स है,
छह लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन ये लिगेंड हो गया, ये सेंट्रल मेटल लाइन हो गया, और जिस स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे जो सिक्स है ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल लाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो हियर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 एंड Cl3 दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और पता है वर्नर थ्योरी, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, यानी वर्नर वाज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ही गेव टू पोस्टुलेट्स फॉर द मेटल आयंस एंड ही कॉल्ड दैट मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड नंबर टू सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द एनायंस। तो जैसे नॉर्मल सॉल्ट्स की अगर हम लोग बात करें NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो प्राइमरी वैलेंसी इज 1। सिमिलरली इफ वी हैव अ नॉर्मल सॉल्ट CuCl3, सो द प्राइमरी वैलेंसी इज प्लस 3। Here, if we have a complex CuNH3 whole 6Cl3, so the primary valency of this complex is 3, is 3, because this is formed, according to him, this is formed by CuCl3 dot 6NH3. So the primary, it is satisfied by the anion, so the primary valency is CuCl3, so primary valency is 3. And this primary valency is ionizable and non-directional, and it is denoted by dotted lines. Yes, dotted lines. And the secondary valency, it is satisfied by the ligands attached to the central metal ion, यानी central metal ion से जितने directly ligands attach होंगे वो उसका coordination number जितना होगा वो उसकी secondary valency कहलाएंगी। तो अगर in general जो modern theory है उसमें ये कहा गया कि metal ion पे जो oxidation state होगी, mind it, मेटल आयन पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी होगा, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी होगी। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम जैसे CO H2O होल 6 Cl3। अनदर एग्जांपल इज गिवन बाय the postulates and the complex given by the Werner CuCl3.6NH3 CuCl3.5NH3 CuCl3.4NH3। अब यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द एनायंस, सो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ऑल दीज ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेस 3, बिकॉज 3 negative ligands are present. So Cl. So the primary valency is satisfied by the anion. So the primary valency of all the three complexes is 3. And experimental verification भी हुआ, तो experiment verification में इस तरीके से हुआ कि इसमें कुछ complex ऐसे भी हैं कि वो उसमें ligands primary valency भी show कर रहे हैं और secondary valency भी show कर रहे हैं। तो excess में जब AgNO3 add किया, excess में AgNO3, तो यहाँ से इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हुआ, मतलब हमें इसमें 3 मोल AgCl मिल रहा है, 3 मोल्स ऑफ AgCl कम्स आउट। एंड हेयर व्हेन वी ऐड AgNO3 CONH3 होल 5 Cl
टू प्लस एंड टू ए जी सी एल बाहर हुआ, यहाँ भी एक्सेस में ए जी एन ओ थ्री जब ऐड किया तो इधर सी ओ एन एस थ्री होल फोर सी एल टू प्लस एंड वन मोल ऑफ ए जी सी एल कम्स आउट. सो इफ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सो ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेज हैव प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. Here also plus 3 oxidation state. And all the three complexes as formed have oxidation number plus 3. So in general we can write primary valency is satisfied by the oxidation number of the central metal ion. सेंट्रल मेटल आयन पे जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसका प्राइमरी वैलेंसी होगा. और इसमें कितने डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड है, 6. इसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड मेटल से कितने हैं, 6. इसमें भी कितने हैं, 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6. तो प्राइमरी वैलेंसी ओवरऑल इन तीन कॉम्प्लेक्स में कितना हो गया, प्लस 3, एंड सेकेंडरी वैलेंसी प्लस 6. सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विद द लिगेंड. सो इट इज दिस वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल. द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल. Secondary valency is non-ionizable and directional. Primary valency is ionizable and non-directional. So secondary valency non-ionizable and directional. Primary valency ionizable and non-directional. ये वर्नर ने बताया हुआ था. So this is Werner theory. So in short, we can say primary valency is satisfied by the oxidation state present on the central metal ion, and secondary valency total number of ligands or total number of bonds directly attached to central metal ion is called secondary valency. So this is overall the Werner theory. I hope you write down the primary valency and secondary valency of the following complexes. So first one, CO NS3 whole 6 Cl3. Second one, CO NS3 whole 5 Cl Cl2. Number 3, CO NS3 whole 4 H2O Cl Cl2. And number 4, CO NS3 whole 4 Cl2 Cl. So find the primary valency and secondary valency of the following complexes. So I have told you the primary valency is satisfied by the oxidation state present on the central metal ion, and secondary valency is the total number of ligands directly attached to central metal ion. So here we can calculate oxidation state of the central metal ion easily. So let us consider x is the oxidation state of central metal ion. The oxidation state of this neutral ligand is 0, so 0 into 6 plus the oxidation state of Cl is minus 1, and it is multiplied by the overall charge present on this salt is 0. So x minus 3 is equal to 0 and x is equal to plus 3. So oxidation state present on the central metal ion is plus 3. So primary valency is plus 3, and secondary valency, total number of ligands directly attached to central metal ion is called coordination number. So coordination number is the secondary valency. So here the secondary valency is 6 in this complex. Again calculate x, 0 into 5 minus 1 into 2 is equal to 0. So x plus 0 minus 1 minus 2 is equal to 0. X is equal to plus 3.
So here again oxidation state of the central metal ion is plus 3. So the primary valency is plus 3 and secondary valency, total number of ions directly attached to central metal ion is called coordination number, and coordination number is the secondary valency. So coordination number of this complex is 6. So secondary valency is 6. Again in this complex, here X 0, water is also neutral ligand, so 0, and Cl minus 1, and here 2 minus 1 is equal to 0, so X is equal to plus 3. Here also oxidation state of the central metal ion is plus 3, so here primary valency is plus 3 and secondary valency is equal to the coordination number, so that is 6. Again calculate oxidation state X plus 0 minus 2 minus 1 is equal to 0, so X minus 3 is equal to 0, X is equal to plus 3. Oxidation state present on the central metal ion is plus 3, so primary valency of this complex is also plus 3 and secondary valency of the complex is 6. So we have overall these four types of complex, where primary valency satisfied by the oxidation state and secondary valency satisfied by the coordination number. Again we can take another example, PtNH3O4Cl2 2+. What is the primary valency and secondary valency of this complex? So platinum X, or let coordination number of platinum is X. So X has 0 into 4 minus Cl, oxidation state of Cl is minus 1, here we have total 2 Cl, and overall charge is plus 2, and X minus 2 is equal to plus 2, X is equal to plus 4. So the primary valency of this complex is plus 4 and secondary valency, so this is called primary valency of central metal ion, and secondary valency, so primary valency plus 4, secondary valency is equal to the coordination number, so coordination number of the central metal ion is 6, so secondary valency is 6. Again another example we can take, CrCn whole 6 3 minus. Find out the primary and secondary valency. So again calculate the oxidation state of the central metal ion, and the total number of ligands directly attached to central metal ion is called secondary valency. So again calculate the X, here 6 into minus 1 is equal to overall charge present on the central metal ion is minus 3. So X minus 6 is equal to minus 3, X is equal to plus 3. So oxidation state of the central metal ion is plus 3, so primary valency of this complex is plus 3 and secondary valency is equal to the coordination number of the central metal ion. So coordination and secondary valency is 6. Again we can take another example, K4FeCn whole 6. What is the primary valency and secondary valency of this complex? So again calculate the oxidation state of potassium is 1, total number of potassium 4, plus oxidation state of X Cn minus 1, and total number of ligands 6, overall charge present on the this compound is 0, so 4 plus X minus 6 is equal to 0, X minus 2 is equal to 0, X is equal to plus 2. So oxidation state of the central metal ion is plus 2, so this is the primary valency, so this is primary valency, and the secondary valency, the total number of ligands directly attached to central metal ion is called the secondary valency, so this is the secondary valency, and the secondary valency of this complex is 6. I hope aap logon ko samajh mein aaya hoga isse, aur jitne bhi examples ho aap book se practice kar liye, Ajay Kumar sir ki book hai, hui hai, jdli hai, inse aap